गैशियस एक्सचेंज हमारा टॉपिक है। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने मुख्तलिफ जानवरों के अंदर रेस्पायरेशन के प्रोसेस को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसानों के अंदर रेस्पायरेशन को देखेंगे और इसके साथ साथ हम उन तमाम स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल में देखते जाएंगे जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर उनके रेस्पायरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। अच्छा, जब हम रेस्पायरेशन को देख रहे हैं तो एक चीज़ को क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक इमेज है, यहाँ अगर आप देखें तो ये साहब कह रहे हैं कि रेस्पायरेशन इज़ नॉट ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन ब्रीथिंग नहीं है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अक्सर मिक्स कर दिए जाते हैं या गलत इस्तेमाल किए जाते हैं, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग। अब यहाँ क्या मेंशन हुआ है, अगर आप इसको देखें, यहाँ क्या कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि एटीपी प्रोड्यूस होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जिसकी हमने बात की थी, जो कि हम कह सकते हैं कि एनर्जी पैकेट्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं किस प्रोसेस में, रेस्पायरेशन में। जबकि ब्रीदिंग का क्या प्रोसेस है, ब्रीदिंग ये होता है कि हम हवा को, सांस को अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं, या वेंटिलेशन का बेसिकली जो प्रोसेस है वो कहलाता है ब्रीदिंग। तो आज के टॉपिक में जहां हम रेस्पायरेशन को देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, पहले हम ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ब्रीथिंग के डिफरेंट पार्ट्स जो ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं उनको देखेंगे, रेस्पायरेटरी ट्रैक को देखेंगे और उसके बाद हम रेस्पायरेशन की तरफ आ जाएंगे जो कि क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक रेस्पायरेशन का, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम कुछ ऐसे ऑर्गन्स को देख लेते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पायरेशन के अंदर, और बेसिकली हम उनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे, यानी कि एयर या हवा कहाँ कहाँ से गुजरती है, वो जो पूरा रास्ता है उसका, उसको हम कहते हैं एयर पैसेज वे। और दूसरा है हमारे पास लंग्स या फेफड़े। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पायरेशन के लिए जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, मेजर ऑर्गन, उसे हम कहते हैं लंग्स या फेफड़े। ये तो हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लेकिन जब हम इनको डिटेल में देखते हैं, लेट सपोज अगर हम बात करें एयर पैसेज वे की, तो ये इट्सेल्फ जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एयर पैसेज वे वन बाय वन हम उनको देखते जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एयर पैसेज वे में आते हैं नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद आते हैं हमारे पास, उसके बाद आता है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद थ्रोट या फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद हमारे पास आते हैं एल्वियुलर डक्ट्स। अभी आपको ये नाम थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, बट वन बाय वन जब हम इनको पढ़ेंगे तो आप इनसे फेमिलियर भी हो जाएंगे और आपको इनका काम भी समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएंगे। एल्वियुलर डक्ट्स हैं, और एल्वियुलर डक्ट्स के बाद हमारे पास आते हैं एल्वियुलर सैक्स। तो ये यहाँ पे आके हमारा एयर पैसेज वे जो है कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं एयर पैसेज वे के, वन बाय वन हम इनको साथ साथ देखते जाते हैं। सबसे पहले हमने बात की है नोस्ट्रिल्स की, नोस्ट्रिल्स नाम तो आप जानते होंगे, नॉस्ट्रल्स कहते हैं वो ओपनिंग हमारे नाक की जहाँ से एयर हमारे नाक से एंटर होती है या बाहर निकलती है, ठीक है। तो नाक की उस ओपनिंग को नॉस्ट्रल्स कहते हैं। नॉस्ट्रल से हवा जब एंटर हो जाती है तो उसके बाद वो आती है नेजल कैविटी पे। तो सेकंड पार्ट हम कहते हैं वो है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो है बेसिकली ये हमारे नाक का अंदर का जितना भी हिस्सा है, अब हमारे गले तक जो नाक का हिस्सा है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। और ये किस चीज़ से मिलके बने, इसके अंदर के जो मसल्स हैं हम उसे कहते हैं वो सिलिएटेड एपिथेलियम से मिलके बने, सिलिएटेड एपिथेलियम। जब हम
टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, वहाँ हमने बात की थी सीलिएटेड एपिथीलियम की। तो नेजल कैविटी जो अंदर से सीलिएटेड एपिथीलियम से मिलके बनी है, इसके अलावा इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन का क्या काम है? इसका काम यह है कि ये म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस, म्यूकस क्या चीज़ है? म्यूकस बेसिकली एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, और इसका काम ये होता है कि जब भी एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई बड़ी चीज़ या डस्ट या कोई भी हम कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी आती है, तो म्यूकस उसको अट्रैक्ट कर लेता है। म्यूकस उसको अपने साथ समझ लें कि अट्रैक्ट इस तरह से करता है कि जो साफ़ एयर है वही पास कर सकती है, बाकी चीज़ें म्यूकस के साथ लग जाती हैं या चिपक जाती हैं। तो ये काम हो गया म्यूकस का। इसके अलावा इसकी हेल्प करने के लिए छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं हमारे नाक के अंदर, छोटे छोटे बाल, और वो बाल और म्यूकस आपस में इकट्ठे काम करते हैं और तमाम डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। हर नेजल कैविटी के आगे जो हैं वो तीन रास्ते बन रहे होते हैं, हम उसे कहते हैं थ्री पैसेज वेज बन रहे हैं, जिससे एयर आगे जा सकती है। नेजल कैविटी से जब एयर गुजरती है तो वो चेंज हो जाती है। उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं? एक तो ये कि वो एयर मॉइस्ट हो जाती है थोड़ी, यानी कि गीली हो जाती है। उसके अलावा वो एयर वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि हमारा अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। तो जब एयर नाक से गुजरती है वो किसी हद तक थोड़ी सी गर्म हो चुकी होती है। और इसके अलावा क्या होता है कि एयर जो है वो फिल्टर हो चुकी होती है, क्योंकि हमने कहा ना कि म्यूकस भी प्रेजेंट है और हेयर भी प्रेजेंट है हमारे नाक के अंदर, तो उसकी वजह से वो एयर जो है वो फिल्टर हो जाती है, साफ़ हो जाती है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया नेज़ल कैविटी को। नेज़ल कैविटी से के आगे जाके एयर कहाँ जाती है वो, या सांस जो हम लेते हैं वो कहाँ जाता है? वो जाता है थ्रोट में, गला जो हमारा है, और वो थ्रोट में बेसिकली हमने क्या नाम दिया उसे, हमने कहा था फेरिंग्स। थ्रोट भी लिख देते हैं हम, हमारे गले का जो रीजन है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। और इसका क्या काम है या इसकी क्या खसूसियत है? फेरिंग्स में बेसिकली हम कहते हैं कि एक और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये एक मस्कुलर पैसेज है। मस्कुलर पैसेज का क्या मतलब है? कि यहाँ बोन्स प्रेजेंट नहीं है। मस्कुलर पैसेज से या फेरिंग्स से जब एयर गुजर जाती है तो उसके बाद वो आती है लेरिंग्स पे। लेरिंग्स जो है वो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एयर पैसेज वे का। लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली हमारे गले का वो हिस्सा है जहाँ से आवाज़ पैदा होती है। अगर आप अपनी गर्दन पे हाथ रख के भी देखें, महसूस करने की कोशिश करें, तो वो जगह जहाँ आपको वाइब्रेशन महसूस हो रही होगी वो कहलाती है लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है बेसिकली ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और इसे हम कहते हैं कि कम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। कार्टिलेजिनस किसे हमने कहा था? कार्टिलेजिनस हम कहते हैं ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं। तो हमारी गर्दन में जो सॉफ्ट बोन्स, अगर आप इसको हाथ लगा के भी महसूस करना चाहें, आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट सी बोन्स पाई जाती हैं हमारे गर्दन पे, गले पे, और वो क्या कहलाती है? वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, लेरिंग्स कहलाती हैं। और इसका काम क्या है? इन्हीं कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स में से एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। और इस एपिग्लॉटिस का काम क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे हमारी जो विंड पाइप है, यानी कि एयर पैसेज में जहाँ से हवा ने गुजरना है, और हमारा जो फूड पाइप है जहाँ से खुराक ने गुजरनी है, वो दोनों सेपरेट हो रही हैं। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस आप कह सकते हैं कि उसकी एक कवरिंग है। जब भी हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस हमारे एयर पैसेज वे को कवर कर देती है, ताकि कोई भी खाना या पानी हमारी विंड पाइप में या एयर जहाँ से गुजर रही है लंग्स तक वो ना जा सके। तो यही कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, और उसका ये काम है, यानी कि क्या करिए, ये प्रिवेंट करी है एंट्री ऑफ फूड की। ठीक है, फूड की एंट्री जो कि हमारे लंग्स में होने जा रही थी। अच्छा, ये तो हमने एपिग्लॉटिस का काम देख लिया।
लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, यानी कि जहाँ से लेरिंग्स स्टार्ट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। इसके अलावा लेरिंग्स का एक और काम, जहाँ हमने इसका नाम लिखा था तो मेंशन किया था, वॉइस बॉक्स, के यहाँ से आवाज़ पैदा होती है। तो लेरिंग्स में कुछ दो बैंड्स बेसिकली पाए जाते हैं, जिनको हम ये भी कहते हैं थिन एज्ड फाइब्रस बैंड्स। दो नहीं, दो से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, इन्होंने आवाज़ प्रोड्यूस करनी होती है। ये जब बैंड्स वाइब्रेट करते हैं हवा की वजह से, जब हवा आती है और हवा की मूवमेंट की वजह से ये बैंड्स वाइब्रेट करते हैं, उससे हमारे गले में आवाज़ पैदा होती है, इसीलिए हम इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लेरिंग्स को। अच्छा, लेरिंग से गुजर के नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है उसे हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया वो पार्ट है जो कि लंग्स की तरफ अब एयर को लेके जा रहा है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया की अगर हम लोकेशन देखें, ये बिल्कुल पैरेलल होती है ऑसोफेगस के। ऑसोफेगस क्या है, हमारी हम कह सकते हैं फूड पाइप है, जहाँ से हमारी फूड जो है वो स्टमक तक पहुँचती है। तो ये ट्रैकिया है, बिल्कुल पैरेलल ऑसोफेगस के चल रहा होता है और आगे जाके ये चेस्ट कैविटी में या हमारे लंग्स में जाके डिवाइड हो जाते हैं। और ट्रैकिया किससे मिलके बने, जहाँ हमने ऊपर बात की थी लेरिंग्स की, हमने कहा था कम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, और फेरिंग्स का हमने कहा था कि ये मस्कुलर पैसेज है या मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसका। ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया भी कार्टिलेजिनस रिंग्स से मिलके बना है, लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि ये सी शेप्ड रिंग्स हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। अगर हम एक डायग्राम देख लें तो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए इसको देखना भी और समझना भी। अच्छा, तो ये हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया गया है, एक डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है। इसके अंदर से हमने क्या देख लिया, नेज़ल कैविटी को हमने देख लिया, इसके अलावा नोस्ट्रल्स हमने देखे थे, नेज़ल कैविटी देखी थी, उसके बाद हमने फेरिंग्स को देखा था, लेरिंग्स को देखा था, ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो जगह है जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद अभी जो हम बात करें हैं वो हम बात करें हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया ये अगर आप यहाँ पे देखें, जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है, जिसको मैं रेड से हाईलाइट करी हूँ, ये हमारे पास ट्रैकिया है और ये सी शेप में है, इस तरह से, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, बेसिकली ये कार्टिलेज रिंग्स हैं जो कि इस फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। और यही ट्रैकिया है जो कि आगे जाके डिवाइड हो जाता है एक राइट और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और ये जब डिवाइड हो जाता है तब इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ट्रैकिया की जब हम बात कर रहे हैं या हमने कार्टिलेजिनस रिंग्स की बात की है, तो इनका काम क्या है, ये काम इनका ये है कि ये हमारी जो विंड पाइप है ये इसको कोलैप्स करने से बचाता है, ठीक है। विंड पाइप जो है वो कोलैप्स नहीं होती, बल्कि इसको मुझे लिखना चाहिए इट प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये हमने ट्रैकिया को देख लिया, और उसके बाद हमने क्या बात की, हमने कहा ट्रैकिया जो है जब डिवाइड हो जाता है तो वो ब्रोंकाई कहलाता है। तो उससे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा उसे हम कहेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है वो ट्रैकिया की तरह ही कार्टिलेजिनस रिंग्स पे मुश्तमिल होता है, लेकिन यहाँ पे रिंग्स जो है वो मुख्तलिफ हैं ट्रैकिया से। वहाँ पे हमने सी शेप रिंग्स की बात की थी, यहाँ पे जो रिंग्स हैं वो स्मॉल रिंग्स पाए जाते हैं और उनको भी हम कार्टिलेज रिंग्स कहते हैं, बिकॉज वो सॉफ्ट रिंग्स हैं। और इसका काम क्या है, ब्रोंकाई जो है वो एयर को लेके जाती है लंग्स के अंदर। तो एयर जब जहाँ लंग्स के अंदर एंटर हो रही है वो एरिया जो है वो ब्रोंकाई कहलाता है। और लंग्स के अंदर आके क्या होता है, लंग्स के अंदर ही जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड होता जाता है, डिवाइड और सब डिवाइड होते होते बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर्स में आ जाता है या स्मॉल ट्यूब्स या पाइप्स में बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाई जो है डिवाइड होगा, डिवाइड एंड सब डिवाइड
तो क्या बनेगा हमारे पास, ब्रोंकियोल्स बनेंगे। और ये ब्रोंकियोल्स इनका साइज़ क्या होता है, अगर हम इसके साइज़ को देखें तो तकरीबन 1 मिलीमीटर या उससे भी कम जो है वो डायमीटर होता है इन ब्रोंकियोल्स का। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो भी यही है, ब्रोंकियोल्स। अच्छा, इन ब्रोंकियोल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है ब्रोंकाई से, वो इस तरह से कि ब्रोंकियोल जो है वो सर्कुलर स्मूथ मसल से मिलके बने, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, यानी कि इसमें कोई कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट नहीं है। इसको भी मेंशन कर देते हैं, दे लैक कार्टिलेज रिंग्स। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ब्रोंकियोल्स जैसे कि डिवाइड हो गए थे, ब्रोंकाई डिवाइड हुआ था और ब्रोंकियोल्स बने थे, ब्रोंकियोल्स मज़ीद डिवाइड होते हैं और हमारे पास एयर सैक्स बनते हैं। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे, डिवाइड एंड सब डिवाइड, तो हमारे पास क्या बनेगा, एयर सैक्स बनेंगे हमारे पास, हवा की थैलियाँ या इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर बन जाता है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। अच्छा, जहाँ हमने एयर सैक्स की बात की है, एयर सैक्स जो हैं उनको कहा जाता है कि वो फंक्शनल यूनिट है लंग्स के, फंक्शनल यूनिट यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लंग्स की अगर कोई चीज़ है तो वो एयर सैक्स है। और एयर सैक्स जो हैं वो एल्व्यूलाई पर मुश्तमिल होते हैं, एल्व्यूल यानी कि एयर सैक्स के अंदर जो है वो एल्व्यूलाई होते हैं। और एल्व्यूलाई क्या चीज़ है, एल्व्यूलाई बेसिकली कुछ थैली नुमा इस तरह के, यूँ आप समझ लें कि यूँ थैली नुमा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। और एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। मेरे पास एक डायग्राम है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एल्वियोलाई नज़र आ रहा है, इसको हम लेबल कर देते हैं ताकि पढ़ना इजी हो जाए। ये जो स्ट्रक्चर है इससे हमने कहा था ये हमारे पास है ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं एयर सैक, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई है आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल रिंग्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं, और इन रिंग्स के ऊपर आपको यहाँ पे रेड और ब्लू कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो रेड है बेसिकली उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और आप देख सकते हैं कि कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, एक मैश है, और उन्होंने पूरे के पूरे एल्वियोलाई को कवर किया हुआ। अब एल्वियोलाई का काम क्या है लंग्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि ये एक फंक्शनल यूनिट भी है लंग्स के अंदर, एल्वियोलाई या एयर सैक्स का काम ये है कि वो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी ऑक्सीजन की, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बाहर से जो हमारे पास एयर आ रही है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं और वो गैसेस हमारे बॉडी की ज़रूरत हैं, तो उनको मैक्सिमम जितना एब्जॉर्ब वो मैक्सिमम होंगी उतनी ही लंग्स की या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छी होगी। इसीलिए इसको बढ़ाने के लिए या उसके सरफेस एरिया को ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वो हैं एल्वियोलाई। इसके बाद एंड पे हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर आ जाता है उसे हम कहते हैं लंग्स। जैसे कि शुरू में हमने बात की थी ना यहाँ पे कि एक हमारे पास एयर पैसेज हुआ है और दूसरा हमारे पास लंग्स है, तो जहाँ हमने एयर पैसेज हुए को देख लिया उसके बाद आ जाता है हमारे पास लंग्स। लंग्स या फेफड़े जिनको हम जानते हैं फेफड़ों के नाम से, लंग्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर हम कहते हैं कि वो एक क्लोज्ड सैक है। दो लंग्स पाए जाते हैं तो क्लोज्ड सैक्स हैं जो कि बंद, क्लोज्ड किस तरह से, क्लोज इस तरह से है कि अगर आप इसकी ओपनिंग को देखें यहाँ पे
इस डायग्राम के अंदर भी आप देखें तो इसकी सिर्फ दो ही ओपनिंग है और वो दोनों जो है वो हमारे माउथ की तरफ या हमारे नेजल कैविटी की तरफ जा रही है, ठीक है। और बाहर से यहाँ पे आपको कोई भी इसकी कोई ओपनिंग या सुराख या कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक क्लोज्ड सैक है और ये स्पॉन्जी होता है। इसको इसके अगर हम स्ट्रक्चर को, बनावट को, या अगर हम इसे फील करके देखें तो ये स्पॉन्जी होगा। स्पॉन्जी क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है। और लंग्स पाए कहाँ जाते हैं? ये चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, और चेस्ट कैविटी के अंदर भी हम जानते हैं कि इसके ऊपर जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनके ऊपर रिब्स हैं, सराउंडेड लिख लेते हैं, सराउंडेड बाय रिब्स या पसलियाँ, ठीक है। जितनी हमारी पसलियाँ हैं, पसलियों के अंदर जो हैं वो लंग्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा रिब्स या सॉरी लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है या फ्लोर जिसे हम कहते हैं, हमारे चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है उसको एक ख़ास नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं डायफ्राम। चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है या फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी वो कहलाता है डायफ्राम। और डायफ्राम क्या है? बेसिकली ये स्केलेटल मसल है, एक शीट है, शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओवरऑल लंग्स जो है वो एक लेयर हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उस लेयर को हम कहते हैं लेयर। बेसिकली ये डबल लेयर है, जो कहलाती है प्लेयरा। यहाँ पे अगर आप इसको फिगर में देखें तो यह ये आपको नज़र आ रही है बाहर की साइड पे एक लेयर है, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों लंग्स, ये लंग और ये लंग, ये एक ख़ास इसके बाहर दो दो लेयर्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं प्लेयरा। अच्छा, तो ये हमने आज देख लिया रेस्पिरेटरी ट्रैक। बेसिकली हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, और वन बाय वन हमने उन तमाम चीज़ों को डिटेल में भी देख लिया। सबसे पहले हमने बात की नॉस्ट्रिल्स की, उसके बाद नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स या थ्रोट भी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद लेरिंग्स या इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, फिर हमने ट्रैकिया की बात की जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, फिर हमने ब्रोंकाई को देखा, ब्रोंकियोल्स को देखा, एल्वियोलर डक्ट्स को देखा और एल्वियोलर सैक देखिए, ठीक है। एल्वियर सैक बेसिकली हमारे पास एयर सैक्स के अंदर जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो एल्वियर सैक्स कहलाते हैं, ठीक है। या बेसिकली वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है ना एल्वियोलाई जो है, तो इसलिए हम उनको एल्वियर सैक भी कहते हैं। तो ये हमने देख लिया ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारा मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, या हम इसे कहते हैं वॉलेंट्री जो हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन आ जाता है, उसको देखेंगे डिटेल में।